लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बस तेरी नजरे करम हो ये दुआ करते हैं हम, आज तेरा नाम लेकर इब्तिदा करते हैं हम। बार बार ऊपर क्या देख रहा है, यहाँ से आसमान नहीं दिखाई देता बेटा। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है मुझे, चल चल अंदर। अरे इंदर कहाँ जा रहा है? बीजू तू फिर भीड़ भी रहा है, मैं तेरी मासी को बोलूंगा। अरे चल रे, तूने दुनिया का ठेका ले रखा है क्या, चल। और वो दो चार ठीक है ना? ठीक है बहन। इंदर एरोप्लेन एरोप्लेन कहा ना बेटा, यहाँ से आसमान नहीं दिखाई देता। श्री राम कृष्ण परमहंस बलराम बाबू से कहने लगे कि जब तुम बीमार होते हो अपने शरीर की देखरेख व सेवा करते हो, वैसे ही तुम्हें अपनी माँ की देखरेख व सेवा करनी चाहिए। माता पिता तो भगवान का साक्षात रूप होते हैं। You must have heard of Abraham Lincoln, the famous president of USA, who put an end to slavery. के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल करूंगा और जिसे मुझे कोई बहुत बड़ी नौकरी मिले, बहुत रुपये कमाऊं जिसे मैं अपनी माँ को सुख दे सकूं। मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए हैं, मैं अपनी माँ को बहुत सुख दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम इंद्रजीत है, मैंने एमबीए किया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट जी। मेरा नाम इंद्रजीत क्यों है? सर माँ कहती है कि दुनिया को जीतने के लिए इंद्रियों को जीतना जरूरी है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो है इंद्रजीत। भगवान तेरा कार्य सिद्ध करे, विजय भव। पापा जी आशीर्वाद दो। जी जाओ रहा पली करेगा, सोचे सोचना हो वही जे सोची लखवार। यस कम इन मिस्टर इंद्र मल्होत्रा। यस सर दैट्स माय नेम। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। मिस्टर मल्होत्रा, हमारी कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी रेपुटेशन है सर, इन कंपैरिजन विद लैक्मे एंड हिंदुस्तान कॉस्मेटिक्स। मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूं पर इतना कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी? बिकॉज यू पे वेरी वेल सर। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉस्मेटिक्स? Thank you.
ठाकुर, सब कुछ दिया तूने, काम करने को दो हाथ, हिम्मत करने को हौसला, पाल पोस के बड़ा करने को एक सपना, जो इस छोटी सी कुटिया में बड़ा हुआ, जहां चांद और सूरज भी नहीं झांके कभी। एक ही विनती है, अब उसे ऐसी जगह पहुंचा दो जहां उसे आसमान दिखाई पड़े। को प्रणाम कर, ठाकुर को नमस्कार कर, चल बेटा। पार्वती मुबारक हो, पार्वती मुबारक हो, पार्वती मुबारक हो, पार्वती मुबारक। वेलकम मिस्टर मल्होत्रा, आपके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर जगदीश। प्लीज टू मीट यू सर। ओहो गंगा जली, कंपनी का पुराना कीड़ा है, कोहली साहब की नाक का बाल है, आप क्या कम है? सर योर स्टेनो मिस मार्गरेट। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर मल्होत्रा वेलकम सर। आइए। मे आई? ओह दिस इज योर न्यू ऑफिस जगदीश, लुक आफ्टर हिम। डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। मार्गरेट! ओके। क्या है? ये गंदी तस्वीरें यहाँ क्यों लगा रखी हैं? What is this nonsense? I am sorry. Holy water, गंगा जल सर, right? Out, out. सर, योर मॉम? ये आपके दादाजी होंगे? जी नहीं, मेरे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। सॉरी सर, ठाकुर जी कुछ मेरे भी प्रमोशन का ख्याल रखना। जगदीश। यस सर। लालिमा लिपस्टिक की प्रोजेक्ट फाइल लेकर आऊं? अभी लाता हूं सर। सर आपके आने की खुशी में ये फूल मैं खुद तोड़कर रानी के बगीचे से लाया हूं सर। थैंक यू। यू आर वेलकम सर। इंदर, ओ इंदर बेटा, चल जल्दी। आया माँ। इंदर इंदर बेटा देख, कितना ढेर सा आसमान दिखाई देता है। इतना ढेर सा आसमान, इतना ऊंचा घर, कितना खूबसूरत दिखाई देता है। हम वहां बीच गली मुश्किल से दो बिता आसमान देख सकते थे, और वो भी फीका फीका। मैं तो भूल ही चुकी थी कि शाम का आसमान इतना सुंदर होता है। ये तो कुछ भी नहीं है माँ, मैं तुम्हें आसमान पे ले जाकर शाम का आसमान दिखाऊंगा, हवाई जहाज में बिठाकर। पांचवी मंजिल पे ला बिठाया, यही बहुत है बेटे, अब और ऊपर नहीं जाना। उन अंधेरी गलियों में तेरे दम पे मैंने सपने देखे थे जो तूने पूरे कर दिखाए। अब वादा कर ठाकुर की कसम खा,
तू मालिकों की सेवा करेगा जिन्होंने तुझे इतना बड़ा घर इतनी बड़ी नौकरी दी। खाने कसम कसम खा बेटे। माँ तूने मुझे बड़े दुखों से पाला है, डरती हो ना ये दिन कहीं फिर सपना ना बन जाए। मैं समझता हूँ माँ, सुख पाने के बाद दुख झेलना बहुत मुश्किल है। हाँ बेटे, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ माँ। मेरी कसम क्यों खाता है, ठाकुर की कसम खा। ठाकुर खुद कह गए माँ, जिसके सर पर पूजे माँ का हाथ हो उसे जरूरत नहीं किसी और को पूछे। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं मां, मैं जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। सेल्स रिपोर्ट तो वाकई शानदार है, मिस्टर इंद्र मल्होत्रा ने कमाल कर दिया। सर सच पूछिए तो अपना प्रोडक्ट ही बहुत शानदार है, ये मिस्टर इंद्र मल्होत्रा का कमाल नहीं है। यू थिंक सो? सर सुना है आप मिस्टर इंद्र मल्होत्रा को तरक्की देने वाले हैं। मिस्टर चोपड़ा, इस लड़के ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक इस कंपनी में किसी ने नहीं किया। तरक्की तो लाजमी है। यू मे गो। थैंक यू सर। इंद्र Yes, sir. क्या कर रहे हो? थोड़ी सी ड्राफ्टिंग कर रहा था सर। देखो जब तुम्हें फुर्सत मिले तो मेरे पास चले आना। Yes, sir, अभी आओ इंदर आओ। कंग्रेचुलेशंस। किस लिए? ओ, आप तो शीफ लाई हैं। डैडी कभी भूले भटके अपनी बेटी को भी कंग्रेचुलेट कर दीजिए। जब देखो इंदर इंदर, मुझे तो आप भूल ही गए हैं। हमें मालूम है कि आपने बैडमिंटन का शील्ड जीत लिया है। कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। डैडी, इंदर साहब में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि आप? सुरखाब के पर लगे हों या ना लगे हों, लेकिन इंदर ने हमारे प्रोडक्ट्स को पंख जरूर लगा दी हैं। बेटे जहां तक सेल्स का ताल्लुक है, आज कोई कॉस्मेटिक कंपनी हमारा मुकाबला नहीं कर रही। मे आई कम इन सर? कमेन कमेन। मेरी बेटी अनीता। नमस्ते। नमस्ते। आप इंद्र मल्होत्रा? तुमने तो गजब कर दिया, सेल्स रिपोर्ट तो कमाल है। थैंक यू सर। सुनो बेटे, देखो मुझे एक मीटिंग पर जाना है, तुम यहाँ बैठ के बातचीत करो, मैं तैयार होकर आता हूँ। आइए। जेंटलमैन, हिंदुस्तान कॉस्मेटिक्स की सेल्स को बढ़ावा देने में जो आप लोगों ने हमारी मदद की है उसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ साथ मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक यंग मैन, जहीन इंटेलिजेंट आदमी को प्रोविजनली सेल्स डायरेक्टर अपॉइंट किया है। इनकी कामयाबी इनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। मिस्टर इंद्र मल्होत्रा। श्याम, कंपनी की नई सेल्स पॉलिसी नए सेल्स डायरेक्टर के मुंह से सुनवा दो। क्यों नहीं, क्यों नहीं मिस्टर इंद्र मल्होत्रा। रिस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर कोहली साहब, इस कंपनी के एजेंट भाइयों, मेरे ईश्वर, अगर ठाकुर की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। अरे लंगड़ा पहाड़ लान सकता है, बहरा सुन सकता है, अंधा देख सकता है, गिरीश घोष जैसा आदमी महात्मा बन सकता है, और अगर प्रभु की कृपा हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। चेयरमैन साहब इतने दयालु हैं, मेरी माँ की कृपा है और प्रभु का आशीर्वाद हो तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। अरे पुष्कर ना बोल ना, अरे ये तो धार्मिक पिक्चर का ड्रामा बोलता है। नहीं लगता है सती नाग कन्या देख रहा है। मैं
मैं अब आगे क्या कहूं आपसे। देखो जगदीश। यस सर। जिस तरह इंसान और भगवान के बीच एक मंदिर होता है, होता है उस तरह खूबसूरत औरतों के होंठ और लालिमा लिपस्टिक के बीच एक एजेंट होता है, होता है। अगर इन एजेंट्स की पूजा बराबर न की गई तो हिंदुस्तान कॉस्मेटिक्स की प्रोग्रेस अटक जाएगी। यू आर राइट सर। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस हर हालत में कामयाब होनी चाहिए। यू आर 100% राइट सर। बट सर मैं इंदर जी का अदना सेक्रेटरी हूं, मैं क्या कर सकता हूं सर। जगदीश, हर ऑफिसर की कामयाबी का ताज उसे उसका सेक्रेटरी पहनाता है और तुम्हें यही तो करना है। यस सर। बट सर मैं। देखो जगदीश, बिजनेस के अलावा इंदर मल्होत्रा की सक्सेस में मेरा एक जाती मकसद भी है। अच्छा सर। ये इम्तिहान उसे पास करना है। बट सर मैं समझ गया सर, सर जो आपके पास होगा वो तो पास होके ही रहेगा, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जरा आपके पास हो जाऊं। तो मैं यू मीन प्रमोशन? यस सर। हो जाएगी। थैंक यू सर। जरूर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। बट सर तरक्की के लिए, प्रमोशनल कार्रवाइयों के लिए कुछ पैसों की, उसकी तुम फिक्र मत करो। इस सिलसिले में जितना भी खर्च करना चाहो कर सकते हो। तब तो आप बेफिक्र होके जाइए सर। बट सर नो मोर बट्स। आई एम सॉरी सर। ये इम्तिहान तुम्हें देना है और पास इंदर को होना है। इम्तिहान मुझे देना है और पास इंदर जी को होना है? तो हो। देश के सभी हिस्सों से आए हुए एजेंट भाइयों का मैं कंपनी की तरफ से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हिंदुस्तान कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप उनका बाजार करते हैं। अब जो प्राइस लिस्ट है उसके बारे में बैठकर हम डिस्कस करेंगे। हर चीज का इंतजाम है। घूमने वाला ये क्या? विस्की सर। शराब? तुमने शराब क्यों सर की? ये तो हर कॉन्फ्रेंस की पार्टी की आम रस्म है सर, निभानी पड़ती है। हम ये रस्म नहीं निभाएंगे। नहीं निभाएंगे सर तो फिर ये परिवार, ये फैमिली, ये प्लानिंग सब बिखर जाएगा। तो फिर ये धंधा जो है वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। धंधा खत्म हो जाएगा तो कंपनी खत्म हो जाएगी। कंपनी खत्म हो जाएगी तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी तो आपकी माताजी खत्म। आई एम सॉरी सर, अपनी माताजी के सुखों के बारे में तो सोचिए, उन्होंने आपके लिए बहुत दुख है सर। हाँ सर जरा सोचिए। वी वुड लाइक टू से मिला। इधर में आओ, तुमसे बात करना है। कोने में इधर आओ। यस 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 यस। कुछ मुर्गी का बंदोबस्त है? माल पानी जी आप तो शाकाहारी थे, मुर्गी कब से खाना शुरू कर दी? अरे बाबा खाने वाला नहीं, प्यार करने वाला, प्यार करने वाला। चलो अंदर, धंधा करना, फिर ये नखरा क्यों? चलो अंदर। कम ऑन नीता, हाथ में अटी हुई मुर्गी कौन है? आप ही हूँ। है तो आओ आओ, तशरीफ लाओ। नीता ये नया बंसी का पसाया।
पुत्रा, स्वर्गवासी हो गए। अरे अभी से स्वर्गवासी क्यों हो रहे हो? स्वर्ग से अप्सराएं तो खुद चली आई हैं। हर एक किस्से में एक एक आएगी और तरक्की हो जाएगी। नीता कमाल की भाई, आई लव यू। अरे जगदीश, मुझे नहीं बताया सबकी फैमिली भी आई हुई है। भाभी जी, he's making fun, fun। सर कर रहे हैं भाई, ये भाभियाँ नहीं हैं, रात की रानियाँ हैं। रात जाएगी, बात जाएगी, ये भी जाएंगी। रात की रात की रानी क्या होती है? ची 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 है बदमाश। हराम खो सर, अंदर चलिए सर, अंदर चलिए सर, अंदर चलिए सर। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या बदमाशी हो रही है? सर बदमाशी नहीं हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कैसी कॉन्फ्रेंस है? ये क्या की कॉन्फ्रेंस है सर? ये डिमांड एंड सप्लाई की कॉन्फ्रेंस है। एमडी साहब का हुक्म है कि ये कॉन्फ्रेंस किसी भी तरह कामयाब होनी चाहिए। हमको इन लोगों को जीतना है, चाहे इनको खरीदना ही क्यों ना पड़े। सर ये धंधा है। अरे बाढ़ में जाए कंपनी और बाढ़ में जाए धंधा। अरे सर बाढ़ में जाए कंपनी। हाँ। क्या करे सर? अरे कंपनी चौपट हो गई, कंपनी खलास हो गई तो आपकी नौकरी खलास हो जाएगी, आपकी नौकरी खलास हो गई तो आपकी माता जी खलास। आई एम सॉरी सर, अपनी माँ के बारे में तो सोचिए, उनका क्या होगा? वो दर बदर हो जाएगी, सड़क पे आ जाएंगी। ठीक है ठीक है, तुमको जो करना है करो, जाओ भी। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं जीने की राह। मेहरबान कदरदान उगालदान एजेंटान, मेरे दो हाथों में ताश की दो गड्डियां हैं। गड्डियां वही हैं, रंग अलग अलग है मगर पत्ते एक ही हैं। ये जो गड्डी है इसको मैं लड़कियों में बांटूंगा और ये गड्डी इसका एक एक पत्ता जो है मैं इस टेबल पर रखूंगा। जो जवान पहले पत्ते को लपक लेगा वो साथी अपना चुन लेगा ताकि झगड़ा ना हो। ये पत्ता आपका है, ये पत्ता आपका है, ये पत्ता आपका है और ये पत्ता आपका है। अरे भाई आपका पत्ता है। हाँ तो मेहरबान अब खेल शुरू होता है। वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी यही वो पत्ता है। तो मेहरबान पहले जो पत्ते को झपक लेगा वो साथी अपना चुन लेगा। वन टू थ्री, हाथों को करो फ्री, इतनी देर क्यों करी, उठाओ छक्का। अरे तू क्यों बैठी है, इधर आ जा ना। तुम चाली दो है दस नंबर चीट, तुम्हारी नौकरी नहीं, नहीं। संभाले ना। छुना मत मुझे। आप गिर रहे थे, आपको संभालने के लिए छुआ था मैंने। किसी बात के लिए नहीं छूना, दूर हो जाओ।
हाथ मत लगाना मुझे। अरे वाह, मैं तो दूरी थी, आप खुद बड़े थे मेरी तरफ। मैं उन ताश वाले लोगों की तरह नहीं हूँ जो आपको कमरे में ले जाने के लिए बड़ा था। मैं आपसे ये कहने आया था कि आप घर चले जाइए। जाइए। हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? काश के पत्तों से कहीं जोड़ी बनती है, जोड़ी आदमी और औरत की भगवान बनाता है, वो भगवान ऊपर वाला, समझी? अब आप जाइए और सीधे अपने घर जाइए। घर? घर होता तो यहाँ क्यों आती? क्या कहा? आपका घर नहीं? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? लड़की होकर आपका घर नहीं? घर तो दूर की बात है, मेरा तो कोई भी नहीं। माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं? नहीं है। कब से? बचपन से। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? मुझे अपने स्वर्गवासी पिताजी की याद आ गई। आप अनाथ है ना, आपका दुख समझता हूँ मैं, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी माँ तो है, पर आपका तो कोई भी नहीं है ना। मैं आपके लिए नींबू पानी मंगाऊं? नींबू पानी क्यों? सुना है नींबू पानी से नशा उतर जाता है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। मैंने आज तक कभी ये पी ही नहीं। आप तो रोज पीती होंगी। मैंने तो आज तक कभी छुई भी नहीं। तो फिर आप मुझे क्यों छू रही थी? हाँ, मैं सब समझता हूँ, मुझे झांसा मत दीजिए। जगदीश ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि ताश की जोड़ियां बनाने वाली रोज पीती हैं और खूब पीती हैं। ना मैं पीती हूँ, ना मैंने आज तक ताश की जोड़ी बनाई है। झूठ! फिर वही झांसा, ताश की जोड़ी नहीं बनाती तो फिर यहाँ कैसे आई? जब किस्मत साथ नहीं देती, दुनिया वाले लड़की की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो कुछ भी करना पड़ता है। और कहीं तो शुरुआत करनी ही होगी। बिल्कुल मत कीजिए शुरुआत, बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, किसी अच्छे आदमी से शादी कर लीजिए ना। छोड़िए, क्यों खिलवाड़ करते हैं मेरे साथ? मेरी जैसी औरत से कौन शादी करेगा? अरे वाह, क्यों नहीं करेगा? आप अच्छी हैं, सुंदर हैं, दूसरों का कितना ख्याल रखती हैं, मेरे लिए नींबू पानी मंगवाती हैं, कोई भी भला आदमी आपसे शादी कर लेगा। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप करेंगे मुझसे शादी? क्यों, क्या मैं भला आदमी नहीं हूँ क्या? तो फिर मैं आपसे शादी क्यों नहीं करूँगा? छोड़िए, क्या रखा है इन खोखली बातों में? खोखली? ऐसा मत कहना, मैं सचमुच करके दिखा दूंगा। हाँ, रहने दीजिए, आप नशे में हैं। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। ऐसी औरत को बचाना हमारा धर्म है। हमारे ठाकुर ने भी एक ऐसी औरत को बचाया था, उसे मंत्र देकर उसकी जिंदगी बदल दी थी। मैं भी तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुमसे शादी करके पक्की जोड़ी बनाऊंगा। पक्की जोड़ी? हाँ, अभी बंदोबस्त करता हूँ। कविन! अरे बुद्धू, टेलीफोन है। ओ, टेलीफोन है? Yes. मैं इंदर बोल रहा हूँ जगदीश। ओह, इंदर जी, सर जी, बोलिए। मैं जोड़ी बनाना चाहता हूँ। जोड़ी? आपने अभी तक जोड़ी बनाई नहीं? हम तो जोड़ी कब की बना चुके सर। मैंने तो अभी अभी सोचा है ना। अरे सर, इट्स टू लेट, जल्दी से जोड़ी बनाइए। तो फिर तुम इंतजाम करो ना। इंतजाम? मैं क्या इंतजाम करूँगा सर, इंतजाम तो लगता है कुछ ज्यादा ही पी गया है सर। पंडित भी क्या करेगा? मैं तुम्हारी तरह ताश वाली जोड़ी नहीं, जन्म जन्मांतर वाली जोड़ी बनाना चाहता हूँ, शास्त्र अनुसार, विधि से। उस लड़की का नाम विधि है क्या? विधि नहीं, शारदा है। आप शारदा के साथ शादी करना चाहते हैं? हाँ,
आपकी शादी करना चाहता हूँ। सर अब रात ज्यादा हो चुकी है, पंडित कहाँ मिलेगा? पक्की फिर कभी करिएगा। क्या तुम भी मुझे शराबी समझते हो? मैं करूंगा और जरूर करूंगा। अगर तुमने मुझे रोका तो तुम्हारी प्रमोशन कैंसिल। सर सर अब इस शादी को तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अरे पतिताओं का उद्धार करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थडे राइट है। करेंगे हम शादी करेंगे नाना। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वही जो हमने कहा, पक्की शादी पक्की। अरे हम जैसों के पांव की मिट्टी से शादी के मंडप तो सजाए जाते हैं, लेकिन शादी के मंडप में हमारा साय तक बर्दाश्त नहीं किया जाता। शारदा कितनी भाग्यवान है जिसे जिल्लत के कुएं में गिरने से पहले ही किसी शरीफ की बाहों ने थाम लिया। ओम सर्व मंगल मंगले श्री सर्वासाध के चरणे त्र्यंबके श्री गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम समूर्ति इष्टाधीश मूर्ति यज्ञो यंत्रे तेन यज्ञेन यजंतेन सर्वमेव प्रतिष्ठां भवतु। ओम विष्णु 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 मन्वंत्रे वार्य गतां सहसुदे प्रारंभे वाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे पुण्यकेसरे कलयुगे कल्पप्रथम प्रवर्तमाने महामंगल मासो संवासे भाद्रपद मासे अष्टांग। बोलिए। मम कन्या नाम लीजिए। शारदा। शारदा कन्यादानम कन्यादानम अहम करिष्यामि। इस हाथ में दीजिए। इस हाथ से नहीं, उस हाथ से दीजिए। पानी डालिए ऊपर से। बोलो बेटे के दुख सुख में, दुख सुख में अग्नि को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके मैं अर्धांगिनी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मस्तक पे छुइए, मस्तक पे छुइए। भाई माल पानी। हाँ भाई। कुछ करना, इस लड़के ने तो हजब ही कर दिया। ही डिड वंडर्स। अरे भाई लोबो, अरे ये सब ड्रामा है, नाटकबाजी है, नाटक। माड़िया में लचड़ी बुझा जानी, माड़िया में लचड़ी बिया हो बुझा जानी, माड़िया में लचड़ी बिया। अरे मेरे माल पानी बुझा जानी, माड़िया में लचड़ी बिया हो। दुल्हन की डोली
लो, इसे संभाल के रखना। ये तुम्हारी शादी का सर्टिफिकेट है। ऐसी शादियों के लिए ये बहुत जरूरी होता है। शारदा, खुशी के इस अचानक मौके पर हम तुम्हें कोई तोहफा तो नहीं दे पा रहे, लेकिन जिंदगी में कहीं भी कभी भी अगर तुम मिल जाओगी तो हम वादा करते हैं हम तुम्हें पहचाने के नहीं, सदा खुश रहना। वही किया जो अच्छे आदमी को करना चाहिए, वही किया। बहुत मुश्किल है अभी संभाल के। अरे कमाल है, कमाल है। तो अकेली तुम हेरा बारे में कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन मैं अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। ये बिजली से क्या चमकी? अब ये गिरेगी, गिरेगी मेरी जान। बड़ी मेहनत का काम था साहब, ये तस्वीरें खींचने के लिए हमें सारी रात जागना पड़ा। अरे राजदान साहब, आपको इसके लिए बहुत बड़ी कीमत मिली है। अब दिन भर आप सोइए जाइए, आराम कीजिए, आराम कीजिए आप, आराम कीजिए आप। सारे के सारे मेरी मुट्ठी में है, मेरी मुट्ठी में है। घंटी, टेलीफोन, हेलो, स्पीकिंग। जगदीश, कल रात पार्टी कैसी रही? सर हिट रही, फिट रही। अच्छा सुनो, अपने एजेंट्स पर इंद्र का इंप्रेशन कैसा रहा? अरे सर ऐसे वैसे खुश, अरे हवा में उड़ रहे थे सर, जस्ट लाइक फ्लाइंग सॉसर्स, उड़न दश्तरी की तरह। सर सबके सब मेरी जेब में फिट है और डाउन है। वंडरफुल सर, अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना? 100% यस। नमस्ते। नमस्ते। आप शायद इंद्र की माता जी हैं? जी। आप? मैं आर के कोहली। इंद्र के बड़े साहब, आइए 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 ना, आप ही की कृपा से हम आज यहाँ हैं। आपके उपकार हम जीवन भर नहीं चुका सकते। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? खैर छोड़िए इस बात को, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया था। खुशखबरी? जी, हमारे बोर्ड ने फैसला किया है कि इंद्र को सेल्स डायरेक्टर बना दिया जाए। यानी तरक्की? जी। पगार में 100 रुपया तो बढ़ेंगे ना? जी जी नहीं, 1500। 1500? इस वक्त इंद्र को 1500 मिलता है, अब उसको 3000 रुपए महीना मिलेगा। इतने ढेर सारे रुपए हम रखेंगे कहाँ? अगर आप चाहें तो इंद्र ना जाने कहाँ पहुंच सकता है। कहाँ तक? पहले मेरे घर पर चलकर देख लीजिए, फिर खुद इंद्र के भविष्य का फैसला कीजिए। इतना बड़ा घर, ये मकान बनाने में लाखों लगे होंगे? जी लाखों नहीं, सिर्फ मैं अकेला। जी मेरा मतलब था रुपए। अरे छोड़िए रुपए की बात, आपने मेरा असली धन तो देखा ही नहीं। असली धन? हाँ। अन्नू बेटे, अन्नू। यस डैडी।
नीचे बेटी। अभी आई। मेरी इकलौती औलाद। अनीता मेरी बेटी। बेटी तुम इंदर से मिली हो ना? जी। उनकी माता जी। ओ, नमस्ते। जुग जुग जियो। कहीं बाहर जा रही हो? जी हाँ, वो आज मैच है मिक्स डबल्स। बहुत अच्छा खेल होता है, जरूर खेलो। मिस डबल इंदर भी खेलता था। मिक्स डबल्स लड़का लड़की मिलकर खेलते हैं। किसी दिन इंदर और नीता की जोड़ी बनाकर देखें। हाँ हाँ, इंदर को लौट आने दो, जरूर बनाएंगे। चैंपियन है, जीत कर ही आएगी। इंटेलिजेंट है, आज तक इम्तिहान में कभी फेल नहीं हुई। कमाल है, इंदर भी कभी फेल नहीं हुआ। डैडी 10:30 बज चुके हैं। ओहो, ऑफिस जरा देर से चला जाऊंगा। देखो पार्वती बहन घर पे आई हैं, इनसे बहुत कुछ कहना सुनना है। पर डैडी वो बेटे जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। शायद ये कहना चाहती है मैच के लिए देर हो रही है। हाँ। अरे तुम पर कहती क्यों नहीं, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू। आ जाओ। आइए। कैसी लगी मेरी बेटी? बहुत सुंदर, सुशील, गुणवती। आपने सच ही कहा था बड़े साहब, आपका असली धन आपकी बेटी है। लेकिन पराया धन, आज बेटी मेरे घर में है, शादी हो जाएगी तो दूसरे घर में चली जाएगी। सो तो है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा दामाद मिले जो मेरी बेटी को मुझसे दूर न ले जाए। घर जवाई? नहीं नहीं, घर जवाई नहीं, मेरा मतलब है मुझे एक ऐसा दामाद चाहिए जो मेरे साथ रहे, मेरे काम में हाथ बटाए, इस तरह मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। ऐसा एक लड़का तो है लेकिन आपकी हैसियत का नहीं बड़े साहब। देखिए आज से आप मुझे भाई साहब नहीं कहेंगे, भाई साहब कहेंगे। जी दरअसल मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि इंदर मेरा दामाद बने, वो मान तो जाएगा ना? अरे भाई साहब समझ लीजिए, मान चुका। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इंदर वही करता है जो मैं कहती हूँ। अगर आपके सामने होता तो अभी यहाँ खेलवा देती। तो बहन जी आप उसको अपने सामने ही समझिए, आजकल तो डायरेक्ट डायलिंग है, अभी फोन पर बुलाई देता हूँ। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, देयर इज अ कॉल फ्रॉम बॉम्बे। पुट इट ऑन। हेलो 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 हेलो, क्या करता है मैम साहब? क्या बकता है मुझे? मैं बोल रही हूँ। माँ न जाने क्यों आज सुबह सुबह सर बहुत भारी लग रहा है। तो अमृत अंजन लगा बेटे, तेरा गला भी भारी है, तो गर्म पानी और नमक के कुल्ले, तेरी नाक भी बह रही है, पानी के पास न फटकना, स्नान बंद, रसाई लेकर पड़े रहना, रसाई लेकर पड़े रहना, समझे? अरे माँ वो सब कर लूंगा, पहले ये बताओ कि फोन क्यों किया, कहाँ से किया, किस लिए किया? मैंने तेरे लिए बहू ढूंढ ली है। बहू? हाँ, तेरी तरक्की हुई है, अब तुझे घर बसाना ही पड़ेगा। घर बसा लूंगा माँ, पहले लड़की तो देख लूं कैसी है, कौन है। कानी है लड़की, लूली और लंगड़ी भी, मुझे बहुत पसंद है। अब बोल क्या कहता है। बहरी होगी तो और अच्छा रहेगा माँ। क्या झांसा देती हूँ माँ, जानता हूँ लड़की लाखों में एक होगी, तुम्हारी पसंद मेरे सर आंखों पर। हाँ कर दी उसने। तुम जिससे जी चाहो जब चाहो मेरी शादी कर दो, मुझे कोई एतराज ना। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलता क्यों नहीं? Hangover. Good morning, sir. जगदीश। Yes, sir. 404 नंबर कमरा मेरा ही है। Yes, sir. उसे फूलों से किसने सजाया? मैंने सर। और कमरे में लड़की किसने भेजी है? मैंने सर। तूने? लेकिन क्यों? तरक्की के लिए सर, मेरी तरक्की हो गई है। उस लड़की को मेरे कमरे में भेजकर? न सिर्फ उस लड़की को आपके कमरे में भेजकर, बल्कि तमाम एजेंटों को अपनी जेब में डालकर सर। देखिए तो, अरे आपको हिट किया है मैंने, तब मेरी तरक्की हुई है। अबे वो लड़की कौन है जो मेरे बिस्तर में लेटी हुई है? सर मजाक कर रहे हैं सर, वो आपकी अर्धांगिनी है, शरीक हयात है, जन्म जन्म का साथ है, आपकी धर्मपत्नी। पत्नी?
अबे क्या बकता तू? सही कह रहा हूँ सर, कल रात को चार पैक पीने के बाद जब आप घोड़े पे सवार हुए तो कहा आपने कि मैं दूल्हा बनूंगा, अभी कभी मेरी शादी होनी चाहिए। मैंने कहा? हाँ सर, आपने कहा तो हुआ, आपने कहा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। पंडित को बुलवाओ, बरातियों को लाओ, बैंड बाजे बजवाओ, विधि से शादी करवाओ। कौन? अरे माँ जी, राधा राधा, मेरे इंदर की शादी पक्की हो गई, मेरे इंदर की शादी पक्की हो गई राधा। मुबारक हो, मुबारक हो। किसके साथ? वो अपने यहाँ कोहली साहब आए थे ना, उनकी बेटी अनिता से। कैसी है? सुंदर है, बहुत सुंदर है, इतनी सुशील है, मैं तुमको क्या बताऊं। जय ठाकुर, तेरी बड़ी बड़ी कृपा ठाकुर। लेकिन मैंने माँ से कहीं और शादी के लिए हाँ कर दी, ये मैंने क्या किया? दित्कार है मुझ पर, दित्कार है। अरे सर, आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? आपके सामने तरकीब बाज खड़ा हुआ है, मैं आपको तरकीब बताता हूँ। तरकीब? हाँ? जल्दी बता जगदीश, जल्दी बता। हम कहेंगे ये शादी हुई ही नहीं। किससे कहेंगे? अदालत से कहेंगे। मिलोर्ड, मैं शराब के नशे में था और मेरे नशे का फायदा उठाते हुए इस औरत ने। ठहरो, कहने क्या है? वहाँ और लोग भी होंगे। कमाल कर रहे हैं सर, इतने बड़े आदमी पर मुकदमा चले और लोग ना हो। अरे वहाँ तो प्रेस भी होगी, फोटो खींचेंगे खट खट। माँ को भी पता चलेगा। वो तो स्वयं वहाँ होगी। अरे बेटा अदालत के कटहरे में खड़ा हो और माँ वहाँ ना हो। माँ को पता चलेगा तो जरा सोच उन पर क्या बीतेगी। सर ये बात भी ठीक है, उनका बीतना भी सोचना है, वरना वो बीत जाएंगी। सर तरकीब आ गई। सर तरकीब आ गई? वो क्या? हम शादी से साफ इनकार कर देंगे। वो कैसे? शादी का इकरारनामा फाड़ के। शादी का इकरारनामा? हाँ हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट भी है? हाँ सर, वो तो होना है। सर मैंने तो आपसे जिद की थी कि कच्ची भी चलेगी, मगर आपने कहा नहीं शादी पक्की करूंगा, मैंने पक्की करवा दी। इडियट, कच्ची करवाने का प्रोग्राम सोचता हूँ। लेकिन अब क्या होगा? आ गई, आ गई तरकीब, आ गई सर तरकीब। तरकीब आ गई? मैं उस लड़की से जाकर सच सच कह देता हूँ, सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ। यस, यही तो मैं भी कह रहा था। अरे सर गजब हो जाएगा। अरे मेरी तरक्की गई, नहीं नहीं जा सकती। निराश, निराश। अरे ये कौन है? मेरी माताजी। कहाँ है ये? बंबई में, घर पर। आपने इनसे पूछे बगैर ये सब कुछ किया? वही तो गड़बड़ हो गई। ये भी अच्छा नहीं किया। बस वो रात में हो गई। जब माँ को सब बातों का पता लगेगा उन्हें बहुत दुख होगा। वो तो किसी भी माँ को होगा, जब औलाद माँ से पूछे बगैर शादी कर ले तो वो क्या खुश होंगी। और फिर मेरी माँ ने मुझे बड़े दुखों से पाला है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। आप उन्हें सब कुछ सच सच बता दीजिए। क्या बात करती हैं आप, ये सच्चाई वो कभी सह नहीं सकेंगी। माँ से ज्यादा सहनशील कोई नहीं होता, डरती भी नहीं। एक बार का बोला हुआ झूठ सारी जिंदगी दुख देता है। आप उन्हें सच बता दीजिए, वो हमें माफ कर देंगी और मुझे स्वीकार कर लेंगी। लेकिन लेकिन मैं कहूंगा कैसे? आपको कहना ही होगा, मुझे माँ जी का आशीर्वाद ना मिला तो ये सुहाग और सौभाग्य अधूरा रह जाएगा। आप समझने की कोशिश, आप हिम्मत तो कीजिए। मैं तब भी आपके साथ चलूंगी जब माँ जी आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। हाँ ये ठीक है, मैं चला जाता हूँ, अकेला ही चले जाता हूँ। पर आप रहेंगी कहाँ? मेरा कह, मैं कहीं भी रह जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? जब तक अकेली थी तब डर था, अब आपका साया मेरे ऊपर है। अच्छा, मैं जगदीश से कहता हूँ किसी मकान का इंतजाम कर देगा, चलता अच्छा। हूँ। पूज्य भाभी जी, देखिए आपके लिए कितना कॉस्टली, आई मीन के कितना खूबसूरत मकान लेना पड़ा है। अंदर हो जाइए। माँ जी की तस्वीर कहाँ है? माँ जी की तस्वीर का पहले इनको अंदर ले जाइए। हाँ पहले इनको अंदर ले। अब आप जाइए। फिर आप जाइए, आप चलिए। हे राम,
दिक्कत नहीं। कमरे कितने बड़े बड़े हैं। सुनिए, ये मकान आपका अपना है? जी नहीं, फर्नीचर और क्रॉकरी के साथ 11 महीने के लीज पर लिया है। काहे पर लिया है? बर्तन, भांडो, करछियों, पतीलियों के साथ किराए पर लिया है। कितना किराया? मालिक मकान तो 3,000 मांग रहा था, लेकिन मैंने 500 में क्रिच काट दिया। 500 रुपए? मैं इस तरह माजी के पैसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। आपको क्या हुआ? बर्बाद हो गई। माजी ने कितनी मुश्किल से पाला है आपको, जो आप इस तरह उनके पैसे उड़ा रहे हैं। जब ये आपके हो गए तो इनके पैसे भी आपके हो गए। खबरदार, ऐसी बात भी मुंह से निकाली तो मालकिन हमेशा वही रहेंगी। तो है। जब तक आप लौटते नहीं, मैं किसी झोपड़पट्टी में रह लूंगी। चलिए यहाँ से। देखो देखो देखो, तुम रहो न रहो, किराया दे चुके हैं, वापस मिलने वाला नहीं है। आपको भगवान की कसम, जो आपने मेरे लिए माजी को कोई दुख देने वाली बात की तो। अरे माजी के सुख के लिए ही तो दुखा जा रहा है, अब इनके सब कुछ किया जा रहा है। देखो देखो, प्लेन का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। चलो। सुनिए, ये तस्वीर मुझे दे दीजिए, आपके पास तो स्वयं ही है। ठीक है। सुनिए, अब क्या हुआ? अरे ठीक है ठीक है। प्रभु, इससे पहले वो राजा लोग अपने विचार बदलें, अनीता को मेरी बहू बना के इस घर में बिठाई दो। मन की हर सात पूरी की है तुमने, अब और कुछ नहीं मांगोगी, ये आखिरी सात पूरी कर ही दो प्रभु। तथास्तु। जब बेटे में दम है तो प्रभु क्यों कष्ट देती हो? बोलो कौन सी सात पूरी करनी है? टेलीफोन पर बताया था ना तुझे, इस घर में बहू लानी है। ओ। बड़ी प्यारी बच्ची है अनीता, कोहली जी खुद आए थे बात लेके। कोहली जी, मैनेजिंग डायरेक्टर? हाँ रे, उन्हीं के घर से तो मैंने तुझे टेलीफोन किया था। तूने बात करते करते अचानक टेलीफोन रख क्यों दिया? बात यह है माँ के, वो बगल में। बगल में? तूने तो कहा था सर में दर्द है। दर्द सर में ही था, लेकिन वजह बगल में थी ना। दर्द सर में और वजह बगल में? वो बगल में सोई पड़ी थी। सोई पड़ी थी? हे प्रभु, रक्षा करो, मेरे बेटे को बचाओ, पागलपन की बातें करने लगा है। पागलपन नहीं माँ, वो सब कुछ नशे में हो गया। क्या बकता है निगोड़े? सच बोल दू? उगल भी, क्या हुआ था उस दिन? जागते ही मैंने देखा कि एक लड़की सोई पड़ी थी बगल में। लड़की? हाँ। झूठ मत बोल, मैं तुझे जानती नहीं क्या? वो सब जागने से पहले देखा होगा सपनों में। ये उम्र ही ऐसी होती है बेटा, मैं जल्दी ही तेरा ब्याह कर दूंगी। माँ, मैं ब्याह कर चुका हूँ। क्या कहा ना तुझसे, मैं नशे में था। ब्याह किया तूने और नशा भी? नहीं नहीं माँ, पहले नशा किया फिर ब्याह किया। माटे मिले, तू सपने में भी नशा कैसे कर सकता है? क्या बताऊँ माँ, एजेंडों की पार्टी थी, लड़कियां बुलाई गई, शराब चली, जगदीश ने बहका कर पिला दिया मुझे। मगर माँ, उस लड़की ने बिल्कुल नहीं बहकाया, वो कहती रही नशे में ब्याह मत करो, मगर मुझे नशे में इतनी बली लगी कि मैंने कर लिया। प्रभु। माँ। दया हो ठाकुर, इसका दिमाग ठीक करो। मेरा दिमाग ठीक है माँ, पूरी बात तो सुन। तू भी कान खोल के सुन, तेरा ब्याह अनीता से ही होगा। और आवारा लड़कियों के सपने देखना छोड़, तेरी सौगन, जिस दिन ऐसी वैसी लड़की ने इस द्वार पे कदम रखा, मैं इस खिड़की से कूद कर जान देती। अरे माँ, मुबारक हो सर, आपका तो बेड़ा पार हो गया। कुछ नहीं, जानते हो मैं किस भंवर में फंस गया हूँ? व्हाट हैपेंड सर? जैसे ही मैंने माँ से शादी की बात की, वो एकदम भड़क उठी, खिड़की से जान देने पर उतर आई। खुदकुशी पर आमदा? अगर मैं उन्हें न पकड़ता तो वो शर्तिया छलांग लगा देती, किसी तरह मानती नहीं थी। आखिर मजबूर होकर मैंने माँ से झूठ बोला। सर, आपने झूठ बोला? आपने? अरे जगदीश, अगर मैं झूठ ना बोलता तो क्या करता, उन्हें संभालने का और कोई रास्ता ही नहीं था। यू आर राइट सर, मगर आपने क्या कहा? मैंने माँ से कह दिया कि शादी मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने की है। आपने ठीक किया, झूठ बोला, अच्छा किया, क्या दिमाग पाया लेकिन है आपने? आप तो जो की तो सर पर खड़ी, उसका क्या? उसका क्या? यू आर राइट सर, मामला गंभीर है, गंभीर है। यस सर, मेरा दिमाग फेल हो जाएगा, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरी मदद करो, कोई रास्ता निकालो, प्लीज हेल्प मी। अरे ये क्या हुआ? सर कुछ नहीं था, मक्खी थी, मर गई। मक्खी? मक्खी थी, मर गई? मक्खी है, मर जाए,
किस्मत चमक जाएगी, आप एमडी के दामाद हो जाएंगे, आपकी माँ आपसे खुश हो जाएंगी और मेरी तरक्की हो जाएगी। अरे क्या बकता है तू? अरे सर बकता नहीं हूँ, बड़ी दूर की कौड़ी लाया हूँ। कौड़ी? अरे दाव पेश की बात है सर, बाद में बताऊंगा। अरे बच्चों क्या शोर मचा रखा है, भागो। छुट्टियाँ हुई तो क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि सारा दिन खेल कूद में लगे रहे और सड़के नापे। आप लोग मुंह क्या देख रहे हैं, बच्चों को क्यों नहीं संभालते, आवारा घर तो हो जाएंगे सब के सब। अरे चल तू क्या देख रहा है, चल गाड़ी में बैठ। मिल गया सर, मिल गया। क्या मिल गया? मक्खी निकाल फेंकने का रामबाण नुस्खा। सच? क्या वो? प्रोजेक्ट एम। क्या है ये? M for murder, खून, that's all, लेकिन किसका? उसी मक्खी का जिसने आपको ये बीमारी लगाई है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता? तो वो भी नहीं हो सकता कि वो आपको तलाक दे। क्या वो तलाक देगी आपको? नहीं। वो तलाक नहीं देगी तो MD की लड़की के साथ आपकी शादी नहीं होगी। ना हो शादी। ना हो शादी? तो भांडा फूट जाएगा सर, भांडा फूट गया तो MD आपको नौकरी से निकाल देगा। नौकरी तो दूसरी मिल सकती है सर, लेकिन माँ, माँ दूसरी नहीं मिलती सर। जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए, जब आपकी माताजी को मालूम होगा तो एक सत्ताधारी हो जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा, आशाएं टूट जाएंगी, वो खिड़की की तरफ दौड़ेंगी और कूद जाएंगी। अपनी पत्नी का कत्ल किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। ये एक और खा लो।
खाना अच्छा बनाती हो तुम, पर ज्यादा खिला देती हो। आप खाते कहाँ हैं? ठीक तरह से ज्यादा मत खिलाओ। ले लो बस इतना ही, मुंह खोलो। आप ही ने कहा था ना साग अच्छा लगता है। एक पप्पी रह दो। चलो खाना खा लो चुपचाप। अब क्या करूं? ये पैसे लीजिए और कन्याओं को दे दीजिए। हेलो बेटे, ये लो 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 ले लो। हाँ, क्या जी तेरा, ले लो ये तुम भी लो, तुम भी लो ऐसे तुम। पौना वाली माता तेरी सदा जय 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 माता, जय माता दी, जय माता। चलो चलो बाहर चलो, देखो कितना में कितना में कितना में। जय माता दी, ओ शेरा वाली माता तेरी सदा। बंद करो ये गंगा जमुना की टूटी, पहले ही पूना शहर में पानी की बहुत कमी है। ओहो, तुम्हें हर शुभ दिन पर रोना स्वामी विद्यानंद ने सिखाया है क्या? औलाद अगर नहीं हुई तो ना सही। आपके बाद आपका कोई नाम लेने वाला भी तो नहीं रहेगा। आप दूसरी शादी क्यों नहीं? भगवान जी भगवान, कई बार कह चुका हूँ कि हमें कोई नहीं चाहिए नाम लेने वाला, हमें नहीं चाहिए कोई पिता कहने वाला, हमें नहीं चाहिए कोई माँ कहने वाला, हमें नहीं चाहिए बुढ़ापे का सहारा। देखो जी, आज के बाद तुम दूसरी शादी का जिक्र कभी नहीं करोगी। देखिए तो कौन है। नमस्ते जी। कौन हो तुम? मैं आपकी पड़ोसन हूँ, कुछ ही दिन हुए यहाँ आई। मैं आपके सामने वाले मकान में रहती हूँ। जी सदके रहो, मगर इस वक्त जाओ, फिर कभी आना। ठहरो बेटी। जी, घर आए मेहमान का निरादर करना आपको किसने सिखाया? आओ बेटी। कोई बात नहीं, बाबा नाराज हो जाएंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। बाबा नाराज हो जाएंगे, बाबा का दिमाग खराब है ना जब नाराज होते रहेंगे। इनकी बात का बुरा मत मानना बेटी, आदत से मजबूर है, जब दुख बर्दाश्त नहीं होता ना तो यूं ही बड़बड़ाने लगते हैं। और ये रोने लगते हैं उसका कुछ नहीं। चुप करो ठाको। आओ बेटी बैठो। बोलो बेटी, कैसे आना हुआ? कल रात आप बाबा को खाना खिला रही थी ना। हाँ? आप बहुत मजे से खा रही थे। एक ही हुच्छे। सड़ना। बहुत अच्छा बनाती होंगी, तभी आप इतने मजे से खा रहे थे। माँ दीदी के हाथ का पका खाना किसको अच्छा नहीं लगता, भले कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा? मैं सामने की खिड़की से देख रही थी। उमा देखी चो, इरा देखी नहीं शॉप। उतर फिर मैं की करा। बात क्या है ना, मैं इतनी बड़ी घर में अकेली हूँ। अकेली क्यों? मेरे पति बॉम्बे में नौकरी करते हैं, उनको शादी करते ही बॉम्बे जाना पड़ा। शादी करते ही? जी। तुम्हारे पति का और कोई नहीं है क्या? नहीं, उनकी माता जी है। वो कहाँ है? वो भी उनके साथ वही रहती है। ए, तुम लोगों ने चोरी से शादी की है क्या? जी। तभी वो अपनी माता जी से बात करने गए हैं, उनसे पूछे बगैर शादी की ना हमने इसलिए। तेरी सास बहुत तीखे स्वभाव की तो नहीं? नहीं तो? हाँ, देवी ही होंगी जो ऐसा बेटा जाना है उन्होंने। तारा, इसे कहो कि अपनी मांग में सिंदूर भर ले। ये मांग क्यों भरते हैं? तुम्हारी मां ने तुम्हें ये भी नहीं बताया क्या है? मैं बचपन से अनाथ आश्रम में पली हूं ना, वहां कौन सिखाता, इसलिए मैं घर गृहस्थी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। आप मुझे अपनी बेटी समझकर सब कुछ सिखाएंगे ना? मैं डरती हूँ माँ जी क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। बेटी तेरा नाम क्या है? शारदा। शारदा? लो माँ शारदा स्वयं आज बेटी के रूप में हमारे घर में आ गई। बेटी तू घबरा नहीं, मैं तुझे सब समझाऊंगी, सब सिखाऊंगी। हाँ माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ चलिए, धन्यवाद किस बात का, हम कोई गैर है? देखो जी, फिर नहीं कहना कि तुम्हें कोई माँ कहने वाला नहीं मिला। हाँ बेटी।
वो जहर है जिससे चटापटी की मौत होती है। साइंस की जबान में इसको साइनाइड कहते हैं। मैंने शारदा को आपके नाम से चिट्ठी लिख दी है, वो आपको पार्क में मिलेगी। पार्क में क्या? अरे मकान में कोई देख लेगा, और फिर मकान आपके नाम पर है, पार्क आपके नाम पे थोड़ी है। जैसे ही वो आपको पार्क में मिलेगी, बेंच पर आपके पास बैठेगी, जज्बाती होके लिपटेगी, उसको लपेटे में ले लीजिएगा, इसमें से सुई निकाल के चुबा दीजिएगा, उसे उई करने का मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि काम तमाम हो चुका होगा। ओम विश्वानि देव सभी तरह दुरितानि परासु यद्व धर्म दलने आसु। ओ शारदा बिटिया उठो, भूत जाता शारदा बिटिया। नमस्ते बाबा। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी जा गई तू? मेरा ख्याल था कि रात भर सोई नहीं होगी। चलो आओ दादा, आओ चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो। स्पेशल चाय बनाई है, दार्जिलिंग की चाय और कश्मीर की इलायची। ओहो, मेरी सास भी सुबह उठकर ऐसे ही पूजा करती थी, तभी तो उसे मेरे जैसा दामाद मिला। आ बैठ, ये लो चाय पियो। लेकिन बाबा, उन्होंने मुझे गार्डन में क्यों बुलाया? छी छी छी, तुम औरतें बहुत शक्की मिजाज होती हो। गार्डन में इसलिए बुलाया है ताकि दो तीन घंटे बाद जाए जो तैयारी में लगाओगे तुम हार श्रृंगार में, फिर वो वहां से तुम्हें घुमाने ले जाएगा। सच बाबा? वो मुझे घुमाने ले जाएंगे? नहीं, वो तुम्हें दरिया में डुबोने ले जाएगा। चल चल। मां जल्दी करो ना। हाँ हाँ, बेचारे पार्क में खड़े राह देख रहे होंगे। ओहो, खड़ा रहने दे, बहुत टाइम है अभी। हाँ हाँ, टाइम तो है, पर मैंने टाइम नहीं, तब तक जान वास्ते दो बटन या नहीं कमीज को। ओहो, दूसरी पहन लीजिए ना, शारदा को जाना है, इंदर राह देख रहा होगा पार्क में। बेटी क्या मिली है, सानू बोली गई है, कोई गाल नहीं, ऐसे ऐसे चलो तब तक चले जाओगे। ओहो, की मुझ माम में जा रही हूँ। अरे बेटे बेटे, चोटी तो कर लेने देती। जी हाँ, देखिए ना, तरक्की के लिए कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। वो कहाँ है? वो तो गए। गए काम से? जी आई मीन के काम में जुट गए। वो तो मैं भी जानती हूँ। इस चलते फिरते डाखाने में ना जाने कितने लेटर बॉक्स हैं, कहाँ गई। हाँ, आपके नाम उन्होंने एक अदद चिट्ठी भेजी है, और वो भी बंद लिफाफे के साथ। अच्छा जी, तो मैं चलूं? नहीं, मेरे सर पर बैठी। शुक्रिया, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी सही। सुनिए। सुनाइए। ये वापस कब आ रहे? वो मैं पूछ कर आता हूँ जी, काम में फंस गया हूँ, आ नहीं पाऊंगा। बस कागज का टुकड़ा उठाया और लिख दिया। Thank you.
पुलिस कमिश्नर साहब का खास ख्याल रखा जाए। हाँ। सच बता, कितने में लिया? तू गई थी इसके साथ? आज अनिता बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ? अनिता आज बड़ी सुंदर लग रही है ना? हाँ, लग रही माँ। हाँ, लेकिन मुझे डर है कहीं किसी की नजर न लग जाए। कालक लगा दो। कालक? मेरा मतलब है कि काला टीका लगा। किसी की नजर नहीं लगेगी ना। Please attention, attention, ladies and gentlemen. आप ये जानना चाहते होंगे कि ये पार्टी किस खुशी में दी जा रही है। मुझसे कई लोग पूछ भी चुके हैं, जिसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इस बात को एक बहुत बड़ा राज रखा, इतना बड़ा राज कि मैंने अपनी बेटी तक को नहीं बताया। डैडी हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैं आप सबको एक प्लेजेंट सरप्राइज देना चाहता हूँ। Here, ladies and gentlemen, I announce the engagement of my sweet daughter Anita to Mr. Inder Malhotra. Thank you. सगाई का ऐलान सुनकर लड़के की खुशी कुछ फीकी सी लगी, बल्कि मुझे तो वो कुछ परेशान सा भी लगा। जी, इसमें भी कुछ राज है। Will you shut up? हर मर्ज का तुम्हारे पास एक ही इलाज है, कत्ल। सर, ऊपर वाले के पास भी हर मर्ज का फाइनल एक ही इलाज है, मौत। जब वो मौत देता है तो मौत कहलाती है, जब आदमी मारता है तो कातिल कहलाता है। It is too much. It is not too much, sir. It is three much. मैंने इस फाइल में काफी रद्दो बदल की है, तब्दीली की है, इसको इतना आसान बना दिया है कि एक बच्चा भी यूं कत्ल कर सकता है। और मेरा चैलेंज है सर, जेम्स बॉन्ड का बाप भी उसको नहीं पकड़ सकता। सर, मुझको भी अपनी प्रमोशन की फिक्र है, मैं कोई घटिया बात सोचूंगा सर? ये और बात है कि मुझे घटिया लोगों से मिलना पड़ा, मुझे तड़ी पार कातलों की संगत करनी पड़ी, चरस पी पी कर ये हालत हो गई मेरी सर। इट इज नॉट ए जोक सर। इंदर, शाम का पेपर क्या छुपा रहा है? छुपा रहा है? हा? कुछ नहीं। देखो माँ, कोई आया। देखो ना कौन आया। जानो में मैं आता हूं। आपका शुभ नाम? जी, मुझको चौकसी कहते हैं। मैं इंद्र साहब के दर्शनों के लिए सीधा जयपुर से चला आ रहा हूँ। आज छुट्टी का दिन तो सोचा चाना साने सुनूं शायद। लीजिए, इंद्र आ गया। हेलो मिस्टर चौकसी। राम राम मिल्होत्रा सा, पहचान लिया मुझको? आपको कैसे नहीं पहचानता? पूना में तो उस राजा बहुत मूड में थे, मैं समझा पहचाने ना पहचाने। मां, जरा इनके लिए चाय ले आओ ना। माँ जी को क्यों तकलीफ देते हो, पत्नी को बुलाओ। जी भाई साहब, मेरे इंदर की अभी तक शादी ही नहीं हुई। हाँ? शादी नहीं हुई है? जी नहीं। तब तो माँ जी आपको ही तकलीफ करनी पड़ेगी। अभी लाती हूँ। आइए मिस्टर चौकसी, आपने आज छुट्टी के दिन यहाँ की तकलीफ कैसे की? उड़ती खबर सुनी है कि मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आपको एडवांस ट्रेनिंग के लिए
कई महीनों के लिए यूरोप भेज रहे हैं। मैंने तो नहीं सुनी। इंदर बाबू, खबर निकाल के लाना बच्चों के बस का रोग नहीं। मैं तो इतना चाहता था कि आपकी गैर मौजूदगी में मैं आपकी कुर्सी पे काम करूं। आप ये बात मैनेजिंग डायरेक्टर से क्यों नहीं करते? इसलिए कह रहा हूं माय बाप कि आजकल आप बड़े साहब के चाहते हैं, आप ही के जरिए काम होगा, बड़े साहब पे मेरा तो जोर है नहीं। आपका मुझ पे क्या जोर है? माता जी, बहू की खबर सुनते ही निहाल हो जाएंगे। समझा, तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तौबा कीजिए, मैं तो आपका शुभचिंतक हूं। मैं तो चाहता हूं कि जो महान कार्य आपने किया सारी दुनिया जाने। कौन सा महान काम किया है मेरे बेटे ने? फिलहाल तो ये मेरा एक छोटा सा काम कर दे, वरना वो महान काम जीता जागता ले आऊंगा आपके सामने। काम जीता जागता? अच्छा मैं चलता। चाय तो? चाय नहीं पिलाई, इनका गला सूख रहा है। मैं चलता, राम राम। मुझे तो लगा तुझे धमकी दे रहा था। बोलना, जीता जागता किसे लाएगा मेरे सामने? मुझे क्या मालूम माँ, अगर वो धमकी दे रहा था तो उसकी धमकी पूरी ना होगी। ये जहर बहुत जायकेमंद है, इसको खाने में मिला के दीजिएगा, और इससे मौत जो होती है ना बड़े आराम आराम से होती है। मगर सर, जब घर में जाइएगा ना तो बड़े प्यार से जाइएगा, हार लेके जाइएगा, कोई उपहार लेके जाइएगा, मगर सर सीधे रास्ते से मत जाइएगा। सुनिए, मैं हूं इंदर। हाँ हाँ, आप वो साड़ी पहन लीजिए ना, ये साड़ी पहन लीजिए आप, मैं आप ही के लिए लाया हूं। मेरे लिए? हाँ। आपको यहां से आने की क्या जरूरत थी? वो हाँ, शादी तो हो गई पर रोमांस नहीं हुआ है ना। पर आप मेरी तरफ देख के बात तो कीजिए। बात दरअसल यह है कि आपने वो साड़ी नहीं पहनी, इसलिए आपको पाप नहीं लग जाएगा मेरी तरफ देखने से, मैं आपकी पत्नी हूँ। पर रोमांस नहीं हुआ है ना। जाओ जल्दी से जाकर साड़ी पहन लीजिए, चाहिए ना। अरे खड़े खड़े आप मुंह क्या देख रही हैं? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोसो ना। क्या कर रही हो? भगवान को भूख लगा रही हूं। अरे पहले यहाँ भूख लगाओ, बड़े जोरों की भूख लगी है, चलो इधर जल्दी आओ। सुना है भगवान को भोग लगाकर पति को खाना खिलाए तो खाना अमृत बन जाता है। ये क्या, एक ही थाली? तुम्हारी थाली कहाँ? मैं बाद में खाऊंगी, आप पहले खाइए ना। ये क्या पुराने जमाने की बातें लगा रखी है, जाओ अपनी थाली लेकर आओ। आप अभी खा लीजिए ना, मैं पति परमेश्वर होता है ना, हाँ जी, उसका काम आना चाहिए ना। जाओ फिर अपनी थाली लेकर आओ, जाओ जी। आपसे एक बात करनी है। कहो। सरगी के लिए पैसे चाहिए। जगदीश ने इसमें पैसे नहीं दिए? नहीं, वो तो मिल गए, मुझे माँ जी के पैसे चाहिए। मेरे पैसे भी तो माँ जी के हैं, मैं भी उन्हीं का हूँ। ओफो, आप समझते क्यों नहीं, मुझे करवा चौथ का व्रत रखना है। करवा चौथ का व्रत? तुम व्रत रखोगी क्यों? ताकि जन्म जन्मांतर आप ही मेरे पति बने। पहले इस जन्म का तो फैसला कर ले। इस जन्म के लिए तो मैं निश्चिंत हूं। लाइए दीजिए।
आपके लिए वो थाली है ना? वो ठंडा है, मुझे गर्म चाहिए। वो गर्म है, ये ठंडा है। तो फिर मुझे ठंडा चाहिए। आप खाइए ना, बैठिए ना, आइए आप बैठिए, बैठिए ना, खाना तो खाइए। हाँ मैं खाता हूँ, ये लो। अरे बैठिए ना, आप भी खाइए ना, खाइए खाइए ना। पापड़ बनाए थे, वो तो भूल ही गई। ओ ले आ। खाओ। अब क्या हुआ? आपके लिए मैंने अचार बनाना सीखा, बनाया और लाने ही भूल गई। ले आओ, ले आओ। ये तो खाना बनाना नहीं आता, वो बस जबान लड़ाती है। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं जाइए। सुनिए, आप इसे खाना छोड़कर मत जाइए, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूं। कुछ भी ले जाइए मुझे। सुनिए, मेरे पास नहीं, आपके लिए कुछ और बना दे। कौन है? अरे तू? क्या हुआ बिटिया, क्या हो गया? बोल तो शारदा। क्या हुआ बेटे? बेटी बोल ना। शारदा बेटे क्या हुआ? देखिए ना, रो रही है। वो चले गए। इंदर आया था? हाँ बाबा, वो जाने गए थे। मैंने खाना परोसा, घबराहट में चीजें भूलती रही। इतनी से बात के लिए मुझसे नाराज होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए। तो इसमें रोने की क्या बात है बिटिया? प्यार में अगर तकरार ना हो ना, तो जिंदगी जीने के लायक नहीं रहती। लड़ाई झगड़े से तो पति पत्नी का प्यार और भी बढ़ता है। हाँ बिटिया, फिर अपनों से ही झगड़ा होता है ना। तुम कुछ समझाओ ना। आपने सब कुछ तो कह दिया बेटी, प्यार पाने के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। ना कपड़े, न लत्ते, न संदूक, सिर्फ संदूक जी। ऐसी कौन सी मुसीबत टूट पड़ी जो चुपचाप पूना भाग लिया? वही सपने वाली मुसीबत माँ, उसी को रफा दफा करने भागना पड़ा। रफा दफा करने? मगर कर ना सका। मुसीबत का सामना करते ही सुसरी बहाने लगी। पहले ही मत बुझा, साफ साफ बता। बताऊं? हाँ। साफ साफ बताऊं? हाँ। तो फिर इधर नहीं, तू उधर जा। उधर क्यों? जा मैं कहता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी तक ग्रिल नहीं लगी, ऑर्डर दिया हुआ है। ये क्या ग्रिल बोल रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। लोहे की जाली होती है माँ, जो खिड़कियों में लगाते हैं। जब भी पूना से लौटता है पागलपन की बातें करता है। सावधानी, सेफ्टी फर्स्ट की बात है माँ। अब बता दूं? हाँ बोल। पूना का वो सपना अब सच हो गया है। क्या वैसे लड़की मेरी बहू बन गई? हाँ, मेरी बहू एक बिकाऊ लड़की। लेकिन माँ, अब वो टिकाऊ है, टिकने वाली। पतिव्रता, पति भक्ति, पति सेवा का मिश्र, सास दर्शन की प्यासी है माँ। उस कुलटा की सूरत देखने से पहले मैं जान दे दूँ। अरे माँ, छोड़ दे मुझे। अरे मुझे जीना नहीं है, मुझे जीना नहीं है। ये क्या कर रही हो माँ, ये क्या कर रही हो? मैंने शादी नहीं की, नहीं की। फिर किसने की? वो मेरी बहू कैसे बन गई बोल? वो मेरे दोस्त ने शादी की माँ। हाँ, शादी तेरे दोस्त ने की और सास मैं बन गई। वो उसकी माँ नहीं है ना, वो मुझे अपने भाई जैसा मानता है, इसलिए उसकी बीवी तो मैं सास मानती है। हाँ, और सास दर्शन की प्यास भी जाग उठी। माँ वो अपनापन को तरसती है। तू पुनः दो बार ही गया है और वो भी काम से।
इतनी जल्दी भाई जैसा दोस्त कैसे पैदा हो गया? काम से मार, काम से, मेरी कंपनी में ही काम करता है। क्या नाम है उसका? नाम है उसका वो जगदीश, जगदीश। कोहली जी से कहूंगी फौरन उसे काम से निकाले। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा कदम मत करना। और तू भी उसकी दोस्ती फौरन छोड़ दे। मुआ आवारा लड़कियों से शादी करता है, खबरदार जो उसका नाम भी कभी लिया तो। हाँ ग्रिल तो लगवानी ही पड़ेगी, इसके बगैर गुजारा नहीं, और वो भी मजबूत। हेलो चौकसी साहब। अरे राम राम सेक्रेटरी साहब। गुड मॉर्निंग चौकसी साहब, कब आए? बस सुबह की उड़ान थोड़ा चला रहा हूँ, लेकिन उससे भी तेज रफ्तार से उड़ रहे मेरे जज्बात। वेयर इज दिस यंग मैन? इंदर, माय हीरो, माय आइडियल। मां नहीं है? फिर कहा? एमडी के कमरे में, कोहली साहब के यहाँ। वेरी गुड, फिर मैं वहीं चलता हूँ, मैं दोनों को एक साथ ही मिलना चाहता हूँ। बाय बाय। अरे आप तो अभी तक उड़ रहे हैं। मैंने अखबार वालों से बात कर ली। अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कोहली साहब से गुजारिश करने आया हूँ कि वो इंदर को खुद प्रेस के सामने पेश करें। Meet the greatest sales director, Mr. Meet Indar Malhotra, जिसने एक पतिता लड़की शारदा से शादी करके कितना महान काम किया है। सोचो तो सही, इससे जवान आदमियों को कितनी शिक्षा मिलेगी, कितनी प्रेरणा मिलेगी, कितनी प्रेरणा मिलेगी। हाँ चौकसी साहब, ऐसा कसम मत कीजिए, रुक जाइए। अजी साहब, मैं किसी के बाप के रोके नहीं रुकूंगा। इंदर जैसे महान आदमी का चर्चा करने का बीड़ा मैंने उठाया, और वो मैं करके ही रहूंगा। हाँ, इस बीड़ा उठाने में आपको काफी पीड़ा उठानी पड़ेगी चौकसी साहब। व्हाट डू यू मीन मिस्टर पीए? सुनिए, देखिए कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिए, इसमें आप तशरीफ फरमा है, गौर से देखिए। आप भी एक पतिता का भरपूर कल्याण कर रहे हैं, और अब मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं इसका पूरा पूरा चर्चा करूंगा। और मैंने तो ये सोचा है कि क्यों ना प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके घर ही में रखी जाए, क्या ख्याल है आपका? और प्रेस वालों से मिसेस चौकसी इंट्रोड्यूस कराएं आपको, क्या ख्याल है आपका? पार्टी के दिन छो पिछली चमकी, आज गिरी। गिरी नहीं है, गिरेगी। अगर आपने इंदर और शारदा के बारे में जरा सी भी खुसफुस की ना, तो तलाक पड़ा गिरेगी। अब बताइए, आपका क्या ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोहली साहब से मुलाकात। कौन कोहली? इंदर साहब से मिलने का कोई मूड? कौन सा इंदर? अब हुई ना बात, चौकसी साहब। कौन सा चौकसी साहब? अब आए रास्ते पर जा कहाँ रहे हैं? जयपुर। सही जा रहे हैं, निकल लीजिए, निकल लीजिए। चौकसी साहब, अपने प्रोग्राम का ये चौकस बैग तो लेते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हाँ हाँ, सो तो है। चौकसी से तो मैं निपट लिया, क्योंकि वो शरीफ शादीशुदा आदमी है, मेरी जेब में था। जेब में तो सब है, लेकिन कुछ बेशर्म भी हैं, कवारे हैं, रंडवे हैं। मसलन पुष्करना है, लोबो है, माल पानी है। वो आ गए तो क्या होगा? कत्ल मुझसे नहीं होगा। कत्ल तुम नहीं करोगे तो मेरी प्रमोशन में क्या होगा? वह कत्ल मैं कर दूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस? मुझे पुलिस के हवाले? मैं आपकी शादी की बात आपकी माताजी को बता दूंगा। ये जाएगा। आज वो जरूर आएंगे। आप आइए ना, मुझे पता चल गया था कि आज आप आएंगे। मैं माँ जी के बारे में सोच ही रही थी कि हाथ से आटे का पेड़ा गिर गया, तभी मैं समझ गई थी कि आज आप जरूर आएंगे। माँ जी कैसी हैं? आप बहुत परेशान हैं, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए ना। शारदा, हुआ ये कि मैं माँ जी को क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, होने जा रहा था कि भगवान कृपा करना। अभी तो ठीक ठाक है ना वो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, दिन भर ऊपर नीचे चलती रहती है, सिर्फ उसी दिन खुदने जा रही थी। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अगर वो ठीक है तो हम ठीक है, हमारा संसार ठीक है। आप अपने काम की परेशानी भूल जाइए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए। आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर आपके नहाने का बंदोबस्त करती हूँ, उसके बाद खाना परोसती हूँ।
अरे मुझे खाना वाना खुश नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले नहा लीजिए ना, बातें करने के लिए पूरी रात पड़ी है। आपने माजी से मेरे करवा चौथ के व्रत के लिए सरगी के पैसे मांगे, ये दीजिए ना। माजी ने खुद दिए हैं? उनकी अलमारी से निकाल लाया हूं। आप नहा लीजिए, मैं अभी आती हूं। 25 अगस्त 1882 में जब ठाकुर महाराज पंडित विद्यासागर से मिलने के लिए गए तो वहाँ पंडित जी ने ठाकुर जी से पूछा कि गीता का सूत्र क्या है। मुझे थोड़ी सी शराब चाहिए। आप लोगों को मालूम है? नहीं तो मैं बताता हूँ। तू शराब पी है? नहीं माँ, मैं गीता वो आए हैं उन्हें पिलाऊंगी। छी, तू इंदर को बुरी बुरी बातें सिखाती है, उन्हें रिझाओ तो कैसे? जब से आए हैं मौन धरे बैठे, तो शराब पीने से क्या बोलना शुरू कर देगा? नहीं माँ, जब उन्होंने शराब पी थी होटल में तब बहुत प्यारी प्यारी बातें की थी। दो घूट पी लेंगे तो खाना भी खाएंगे, बात भी करेंगे। ये क्या अच्छी बात है बेटी। माँ, आज वो बहुत दिनों के बाद आए हैं, अगर आज भी वो मुझे छोड़ के चले गए। नहीं नहीं बेटी, तू ठहर, मैं अभी ले आती हूँ। देखा, जल्दी जल्दी गीता कहने से तागी तागी सुनाई देता है, और तागी का अर्थ है त्याग, और बस ये त्याग ही गीता का असली ज्ञान है। वाह 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 वाह, अति सुंदर, परम सुंदर। अरे भाई, गीता का ज्ञान आज तक हमने इतना सुंदर कहीं नहीं सुना। गीता का ज्ञान एक शब्द में मैंने आज तक कहीं नहीं सुना। काका कालेरकर की टीका पढ़ी, विनोबा भावे की टीका पढ़ी, राधा कृष्ण की टीका पढ़ी, परंतु ये सुंदर टीका आज तक मैंने कहीं नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या मजा आ गया भाई, आज जैसा सत्संग तो कभी नहीं हुआ। ए, ये बुढ़ापे में क्या सूझी है तुम्हें? क्या हुआ? अरे ये शराब की बोतल शारदा को दी है मैंने। शारदा पीती है क्या? ओहो, जाता बोल छो सुत्ती किछु बुझे बच्चो ना। ओ, इंदर आया है क्या? हाँ। क्या है? शराब। किस लिए? मैंने सोचा आपकी परेशानी से दूर हो जाएगी, बाबा से मांग कर लाई हूँ। बाबा कहते हैं पीने से सब दुख दर्द भूल जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बेवकूफ औरत, जो इसे पीता है वो बर्बादियों की बातें करता है। सब बुराई और गलती की जड़ ये शराब है, इसी शराब ने मुझे इस मुसीबत में डाला है, और तुम मुझे और मुसीबत में डालना चाहती हो? पूजा पाठ करने वाली औरत, ऐसी हरकत करते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? अब मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, यही कहने आया तो सब कह जा रहा हूं। अरे हाँ, तेरे उस दोस्त का क्या हाल है? कौन सा दोस्त माँ? जिसने वो आवारा लड़के से शादी कर ली थी। माँ उसकी तो बात ही मत करो, उसका तो बड़ा गजब का क्रिमिनल माइंड है। उकसा उसका कर उस बेचारी को जहर दिला दिया। जहर दे दिया? हाँ माँ। मर गई? नहीं नहीं, मरी नहीं, बच गई ना। बाल बाल बच गई, जहर खाने ही वाली थी कि मैंने थाली फेंक दी। तूने? हाँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं, मेरा दोस्त है ना जगदीश, जगदीश ने। और तू उसे दोस्त कहता है? उस पापी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करता? अगर शादी करके उसको पछतावा है तो उसमें उस लड़के का क्या दोष? कसूर तो उसका अपना है। यही तो मैं कहता हूँ माँ, इसमें उस लड़की का क्या दोष? हाँ। ऐसे धर्म कर्म वाली लड़की पूरे पुणे में नहीं मिलेगी। एक बार तुम उसे मिल लो ना माँ, फिर कभी उसे जाने नहीं दोगी। चल हट मुए, मैं ऐसी कुजात लड़के की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मेरा धर्म मिटाने पे तुला है? खबरदार, उन दोनों को इस घर में लाया भी तो कूद कर जान दे दूं। अरे नहीं माँ, कभी नहीं लाऊंगा, कभी नहीं लाऊंगा। ग्रिल भी तो नहीं लगी अभी तक। हे माँ, सब सुहागिनों के पति उनके साथ हैं, आज मैं ही अकेली हूं, ये तो मेरी ही किस्मत का दोष है। छी, नहीं माँ, मेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है जो ये मेरे पति बने। लेकिन माँ, अगले जन्म में मुझे इस लायक बना देना,
ये मेरे घर बारात लेके आए और मेरे घर वालों से इज्जत और सम्मान पाए। तुम गाओ ना। नहीं बाबा, हाँ, शारदा गाना बेटी। अच्छा जब तक है चंदा, जब तक है चंदनिया, जब तक है चंदा, जब तक है चंदनिया, मैं बनूं अपने सजन के। अगले जन्म में भी मुझे यही पति मिले, उसके बाद वाले जन्म में भी।
यानी जितनी भी गिनती है उतने जन्मों में भी मुझे यही पति मिलते रहे। सबर सबर सबर। अगले जन्मों के लिए मैं तैयार हूँ, झंझट सिर्फ इसी जन्म का है। बिल्कुल नहीं, गौरी मैया का चमत्कार नहीं देखा आपने? उन्हें पुकारते ही आप साक्षात सामने आ गए। लीजिए थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरा व्रत पूरा कीजिए। मैं करूं? आपकी लगन में मैं कल से भूख प्यास भूल गई थी, आपको देखते ही प्यास जाग उठी है। कर दीजिए मेरे व्रत का अंत, बड़ी प्यासी हूं जी। लेकिन लेकिन मैं मजबूर हूं, डरता हूं व्रत का अंत करके कहीं मैं झगड़ा ना जाऊं। डर कैसा, गौरी मैया सब कुशल कर देंगी। अजी बंबई में मेरी अपनी मैया है, ग्रिल के बगैर वो क्या कर सकती है, अब कैसे कहूं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि नहीं नहीं, अब जो कुछ कहना है जगदीश कहेगा, नीचे है। नीचे? फ्लैट में पूरी तैयारी करके आया, आओ। हाथियों से कुचलवा दूं? नहीं, महंगे पड़ेंगे, वो ही ठीक है। नमस्ते भाभी जी, आपको पहला और आई मीन के करवा चौथ मुबारक हो, आप बहुत जच रही हैं आज। आप तो कह रहे थे ये पूरी तैयारी करके आए हैं। हाँ तैयारी तो पूरी है, आप फिक्र मत करिए, मगर पुत्तू स्वामी अगर एक बात भी इसके मुंह से सीधी नहीं निकलती, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ मैं कहना ये चाहता था कि सर के हौसले पस्त हो चुके, लेकिन मेरे हौसले बिल्कुल बुलंद है, मेरे हौसले पस्त। क्या बकवास कर रहा है? जगदीश ने प्लान बनाया है हमारे लिए। क्या प्लान बनाया है? मुझे भी नहीं बताया। जगदीश बताओ ना। क्या बताऊं? प्लान। हाँ कल हमें कोलार गोल्ड माइन देखने जाना है। कहाँ जाना है? सोने की कान देखने। सोने की कान? वहाँ सोना देखने को मिलेगा? सोना ही सोना है वहाँ, सोना ही सोना। कब चलेंगे? कल चलेंगे। जगदीश भैया बैठे ना, खड़े क्यों हैं? नहीं नहीं क्या है कि मुझे बहुत सी तैयारी करनी, क्योंकि बहुत ऊंची है वो, घोड़ों की तैयारी करनी है। और सर आप नहीं चलेंगे? नहीं ये नहीं जाएंगे। सर एमडी साहब का फोन आ सकता है। सर मैंने कुछ फाइलों की फाइल भी बनाई है, आपको देखनी है वो। नहीं समझे आप, आपके घर में जाली भी नहीं लगी है सर। चलो 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 चलिए सर, सुबह तैयार है ना, लेने आऊंगा। देख रहा हूँ, अंधा थोड़ी हूँ, रस्सी है ये देखो। अरे पतंग उड़ाएगा क्या ये पतली सी रस्सी, क्या करेगी ये रस्सी, क्या करता है ये आप देखना। ये घोड़ा इधर आया, रस्सी खींचा, ये घोड़ा गिरा, चौकड़ी गिरा, फिनिश। अरे वाह पहलवान, कमाल कर दिया तूने तो। ये एडवांस, ये ले एडवांस और बाकी काम के बाद फिर से तख्ता फिट कर दे। अरे वारे पुत्तू स्वामी तेरी रस्सी। सर वो लोग आता जी। अबे धीरे बोल, तू भी इधर को आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। अबे ना तो गए लेकिन तख्ते की तरफ ही जा रहे हैं ना। वहीं जा रहे, वहीं जा रहे। तू अपना काम कर, जा जल्दी जा। Bye.
जगदीश भैया तो कह रहे थे वहाँ सोना ही सोना होगा, वहाँ तो मिट्टी ही मिट्टी थी, सोना कहाँ था? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर? लेकिन मिट्टी से सोना निकालते कैसे हैं? जरा टॉवल दीजिए। हाँ? ये टॉवल कैसे दे सकता हूँ? नहीं वो नहीं, वहाँ जो पड़ा हुआ है वो। जगदीश भैया ने जो प्लान बनाया था कितना अच्छा था। कौन सा प्लान? यही पिकनिक वाला। ओ। आप तो बड़ी अच्छी घुड़सवारी कर लेते हैं, पहले कभी सीखी है क्या? मुसीबत पड़े तो कर लेता हूँ। मैं तो जगदीश भैया को सारी उम्र दुआएं दूंगी। तो? वो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, और वो तो फिर तुम इसे नहीं जानती कि वो क्या है? मैं तो इतना जानती हूँ कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। न जाने रूप किरानी तेरी
कदर न जाने मैं हूँ बड़ा सौदाई, मैं हूँ बड़ा सौदाई। दस्तूर निराले इस दुनिया के दस्तूर निराले, प्रीत की रीत निराली, प्रीत की रीत निराली। चुप रहता मैं तुमसे न कहता, दिल में अगर कुछ होता, दिल में अगर कुछ होता। जब देखा तुझे तब तब दिल में प्यार नली अंगड़ाई, प्यार नली अंगड़ाई। अरे बेटिया उठो, शारदा। शारदा बेटिया उठो, चाय लेकर आया हूँ। शारदा बेटिया लो चाय, आ गई गर्मा गर्म चाय, माँ तुम्हारे ने आज इलायची डाल के बनाई है। अरे उठो उठो। अरे क्या बात है, अरे उठते क्यों नहीं, इधर उधर हो रही है। अरे चाय पी बिटिया, वो शारदा। अरे उठो बेटा, अरे उठो, सूरज सर पर आ गया है, इतना नहीं सोते सेहत खराब होती है। उठो उठो। अरे ओम जय जय गोपाल, जय जय गोपाल। अरे ओ तारा, ओ तारा। इंदर बेटा आज नाश्ता हमारे यहाँ करना जरूर। ओ तारा, इंदर जी आए हैं, जरा हलवा बनाओ खालस घी का। ये कौन है? यही है मेरे बाबा। सुबह सुबह कहाँ से आ गए? अब जाके दरवाजा बंद कीजिए ना।
जाइए ना। अच्छा ओइंदर। हाँ माँ। शादी के बुलावे के कार्ड तो देख ले, जो तुझे पसंद है छपवाने दे दे, बांटने भी तो होंगे। माँ एक मिनट बैठो बैठो, मुझे तो रहम आता तुम पर। क्यों रे? तुम बड़े चाव से मेरी शादी की तैयारी कर रही हो ना। अरे हर माँ की साथ होती है, वो जल्दी से जल्दी सास बने। ये जानते हुए भी के बहू सास को घर से निकलवा भी सकती है। क्या बकता है मुए? अनीता बहुत मॉडर्न लड़की है माँ। अच्छा? वो करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। मैं सब समझती हूँ, मुझे डराने की कोशिश मत कर और कान खोल कर सुन ले, तेरी शादी अनीता से ही होगी। मैंने कोनी साहब को वचन दिया है। और तू ये भी भूल गया, ठाकुर के सामने तूने कसम खाई थी जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे दुख पहुंचे। मैं क्या करूं, माँ को नाराज नहीं कर सकता, अब तो शारदा को सच बताना ही पड़ेगा। आप मुझे सब कुछ बता देते तो। तो तुम नहीं जानती क्या होता? मैं जानती हूँ, मैं आपसे कह देती, आपकी और मेरी शादी कभी हुई ही नहीं। लेकिन तुम्हारी मेरी शादी तो हुई थी। वो तो एक खेल था। खेल नहीं था, लोग गवाह थे वहाँ पर। वो शराबी थे, तमाशाई थे। हमारी शादी पंडित ने की थी, उसका सर्टिफिकेट भी है। यही ना, ये तो एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई वक्त नहीं। आप वही कीजिए जो माजी चाहती है। आपने मेरा भला चाहा, मुझे पतित होने से बचाया, लेकिन आपकी भी मजबूरियां हैं। आपने कितनी कोशिश की है वो मैं जानती हूं, लेकिन जब भगवान को ही मेरा सुख मंजूर नहीं तो आप क्या कर सकते। शारदा, शारदा, अरे रुको तो, कहाँ जा रही हो? अरे शारदा कहाँ जा रही हो इस तरह? शारदा रुको तो, इस तरह घर छोड़कर नहीं जाते। सुनो, शारदा रुको, शारदा, शारदा कहाँ जा रही हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ शारदा, शारदा, शारदा। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जाइए, अब इंदर को दिलासा दीजिए। जाइए। बेटे, मिस्टर मल्होत्रा, डॉक्टर साहब, क्या हाल है मेरी बच्ची का? आपकी बच्ची तो ठीक है ही, और अल्लाह के फजल से होने वाला बच्चा भी ठीक है। बच्चा? मुबारक हो बेटे। मुबारक हो मिस्टर मल्होत्रा। ये सब मैं बांट देना। बांट देना। बाबा, मुझे इनसे बात करनी है। हाँ, करो बात, बात करो, करो बात, करो बात। बाबा, मैं इन्हें अकेले में बात करने दो। मुबारक हो बेटा। बहुत बहुत मुबारक बेटे। के चेहरे पर पछतावा, ये मुझे देखा नहीं जाता। शारदा, आप तो भाग्यवान हैं, माजी की खुशी पूरी कर रहे हैं। आपके लिए मेरे दिल में इससे तौर भी बढ़ गई है। बेफिक्र होकर माजी के पास लौट जाइए।
जाइए ना, आपके प्लेन का वक्त हो रहा है। शारदा, इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़कर। अब मैं अकेली नहीं हूं, अब तो मेरे पास जीने के लिए एक आस है, एक सहारा है। अब तो मैं हर तरह से जिंदा रह लूंगी। ऐसा क्यों सोचती हो शारदा? तुम अगर बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपके मन या इज्जत को धक्का पहुंचे। वो तो मैं जानता हूं। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर रहूंगी, अपना सिर ऊंचा करके जीऊंगी। अब मैं मां हूं। कमेन साहब, इंद्र साहब तशरीफ लाए हैं। अच्छा, ठीक है, तो कहा उसने? बिल्कुल ठीक। उसका क्या मतलब है? बिल्कुल यही। हेलो इंद्र, मुझे दीजिए आपके रुपए पैसे, आप इससे बढ़कर मेरा अपमान नहीं कर सकते। अपमान किया है? मैंने सिर्फ हेलो ही कहा है। आप मुझे रुपयों से खरीदना चाहते हैं? हाँ, मुझे रखेल बनाना चाहते हैं, मेरा मतलब है कि घर जाना बनाना चाहते हैं। यार तुम कैसी बेसर पैर की बातें कर रहे हो? इन बातों का सर भी है और पैर भी। अपने पाँव पे खड़े रहना, सर ऊंचा रखना सिखाए शारदा से। मुझे अपनी आन चाहिए सर, आपकी नौकरी नहीं चाहिए। क्या कहा? तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? क्यों क्यों करूं आपकी नौकरी, क्यों बिकू आपके हाथ? इंदर, जब उस अबला बेसारा लड़की को खुद पे इतना विश्वास है, फिर मैं तो मर्द बच्चा हूं, रोजी कमानी है, कहीं भी कमा लूंगा, अपने बलबूते पर मां को पालूंगा, बीवी को पालूंगा, बीवी के बाप की रोटियां नहीं तोड़ूंगा। मुझे नहीं बना आपका दामाद। तुम्हें शादी से इनकार है? हाँ है, क्या कर लेंगे आप? मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। कोई फायदा नहीं, आप लाख कहे, दुनिया कहे, भगवान कहे, अजीब भगवान तो क्या, मेरी माँ भी कहेगी तो भी मैं आपका दामाद नहीं बनूंगा। नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या कर लेंगे आप? बस यही तो मैं चाहता था, इसलिए तुम्हारे पांव पड़ रहा। फिर भाई, क्या कहा? हाँ, नाउ वेट, जस्ट होल्ड ऑन, वेट अ मिनट। उफ, कोई नया चक्कर है क्या? तुम्हारे इनकार ने मेरी एक बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी। सोच रहा था तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम्हें क्या जवाब दूंगा। दरअसल बात यह है कि अनीता भी किसी और से शादी करना चाहती है। सच? वंडरफुल, इसका मतलब है कि वो मुझसे नफरत करती है। नहीं बेटे, नहीं, तुमसे नफरत नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है, बहुत पहले से। मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। बेटे, मैं अपनी बेटी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुम जैसे आने वाले आदमी को खोना भी नहीं चाहता। जी हाँ, दामाद कोई और से ही, लेकिन कामकाज में मेरे बाएं हाथ तुम ही बने रहोगे। सर, थैंक यू वेरी मच। बेटे आओ, वो रहा मेरा होने वाला दामाद। जी, ये है मिस्टर विकास और आप इंद्र मल्होत्रा। आपसे मिलकर आज बड़ी खुशी हुई। शारदा, ओ बिटिया, चाय लाया हूं तेरे लिए। ये लो बेटे, उठो। शारदा, ओ शारदा, जेवर क्यों यहां रखे हैं? अरे पगली, जेवर क्यों बाहर रखे हैं? शारदा, अरे इंदर, ये तू क्या कर रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जरूरी बात करनी है ना माँ। तो इसे छोड़, बात बता। नहीं नहीं, पहले ग्रिल चेक कर लूँ, तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं खुद पढ़ो तो। अरे तू पागल हो गया है क्या? हाँ नहीं माँ, मैं पागल था, अब होश में आ गया हूँ। मैं माँ, आज तक मैंने तुमसे एक झूठ बोला, अब वो झूठ मेरी आत्मा पर भारी पड़ रहा है, अब मुझसे नहीं सहा जाता मां। कौन सा झूठ? यही कि मेरा कोई दोस्त है और उसने शादी कर ली। तू क्या, तू मुझे लगातार धोखा देता रहा? नहीं मां, धोखा नहीं, ये मेरे मन की मजबूरी थी। तुम्हारे प्यार में ममता का जो भोलापन है,
उसके सामने मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं तुम्हें सच्चाई बता सकूं। मां मां शारदा से शादी मैंने की है। क्या चीज अच्छी लगती है मां जी? फल मंगवा दूं मां जी? इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, चिंता करने की कोई बात नहीं, एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे। ठाकुर, तूने मेरी हर इच्छा पूर्ण की है, आपके क्या हुआ? अगर यह तेरा ही खेल है तो मेरी बात कान खुल के सुन, मैं इस खेल में तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। इससे पहले इंद्र उस कुर्ता को इस घर में ले आए, मैं चली यहां से। और यह भी भूल जाओ, मैं तुम्हारे पास दक्षिणेश्वर आऊंगी, मैं चली पैदल हरिद्वार। इंद्र तेरे हवाले, अब तुम तीनों मौज करो, मेरा क्या है, मैं जाती हूं। मां 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 इंदर जी, जो आप अब कह रहे हैं यही अस्पताल में कह दिया होता तो हम शारदा को बंद कर रखते, कभी अपनी नजरों से दूर न होने देते। ना मैं शारदा को पा सका और ना ही मैं मां को खुश कर सका। बेटा, अब पछताने से क्या फायदा, जाके ढूंढो उसे। माँ जी, कलकत्ता तो मैं देख आया, इसीलिए तो मैं आपके पास। आपका क्या है, शारदा पर ना जाने क्या बीत रही होगी। कुछ करने बैठे, ऐसा क्यों सोचती हो? शुभ बोलो, शुभ बोलो। भगवान रुका करो, हमने सोचा था कि अब हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारा नाम लेवा भी कोई है, हम आपके बच्चे को गोद में लेंगे, उससे बातें करेंगे, प्यार करेंगे। कुछ नहीं, ना जाने बच्चे का क्या हाल होगा। जाते तो कोई है, सुनो तो, अरे किसका बच्चा है ये? कोई सुन रहा है? सुनो तो, अरे तुम्हारी माँ कहाँ गई बेटा मुन्ना? जोंदू कहीं का कितना चिली चिली करता है। अकेला छोड़ के गई? अरे क्या हो गया मुन्ने को? अरे अरे भूख लग गई है। माँ जी, thank you.
मुझे लक्ष्मण झूला ले जाएगा, हाँ गंगा स्नान को भी ले जाएगा, अरे ले 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 सुनो सुनो बाबा, अरे अरे हाँ हाँ मुझे हरिदर्शन को भी ले जाएगा। अभी तेरी मम्मी आए, तू मुन्ने की माँ है? हाँ जी माँ जी, सदा सुहागन रहो। अकेला मुन्ने को सीढ़ी पे छोड़ दिया, गिर जाता तो ख्याल भी नहीं किया मुन्ने का, ऐसे ही छोड़ के चली गई तुम। ये लो बच्चे को दूध पिलाओ। मुन्ने चुप हो जाओ। नहीं नहीं रोते नहीं, रोते नहीं। अरे देख क्या रही है मेरी तरफ, दूध पिला मुन्ने को। नहीं तुझे पिलाना था, दूध भी नहीं पिलाना था मुन्ने को। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है? हाँ, क्या है ना माँ जी, किसी ने सिखाया नहीं, आप सिखा रही है ना? आप सिखा रही हैं। आप अकेली आई हैं माँ जी? नहीं, सारी फौज आई है मेरे साथ। कहाँ है वो? अभी आ रही है। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। रहने दे बेटी। रहने कैसे दूँ, ठंडी हवा जो चल रही है। माँ जी तीन कप चाय बनाओ ना। तीन क्यों? आपके साथ जो आए हैं उनके लिए। मेरे साथ कोई भी नहीं आया, मैं अकेली आई हूँ। अकेली? हाँ बेटी। आपके साथ कोई नहीं है माँ जी? नहीं। नहीं बहू, आने के बाद माँ जी को बोल तो नहीं गई वो? अकेले कैसे आने दिया उनको? माँ जी घर में सब कुशल तो है ना? सब ठीक ठाक तो है ना? मेरा मतलब है कुछ चिट्ठी पत्र तो आती होगी। आप इतनी महीनों से घर से बाहर निकली हैं, कभी जी नहीं करता वापस जाने को। मेरे लिए मर गया है वो। माँ जी माँ होकर अपने जाए के लिए कैसे बातें करती हैं आप? कैसी माँ हैं आप? वो कौन सा अच्छा बेटा निकला? उन्होंने क्या किया? क्या नहीं किया उसने? एक उल्टा से शादी कर ली, खानदान की नाक कटवा दी। बहुत बड़े घर में शादी तय की थी मैंने उसकी। कितने पैसे वाले, कितनी इज्जत वाले, बड़े नाम वाले लोग थे, उन्हें ठुकरा दिया और एक उल्टा से शादी कर ली। वो भी चुपके चुपके मुझसे झूठ बोला। मिस्टर मल्होत्रा, हमारी कोशिश जारी है लेकिन अभी तक आपकी माताजी का कोई पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, कलकत्ते से भी कोई न्यूज नहीं आई? जी नहीं। मैं चलता हूं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। ले मुन्ना, अभी तो खाना खिलाया तेरी माँ ने, अभी चाय भी पिला रही है, क्या समझती है मुझे? हाँ बेटी, एक बात पूछूं, मुन्ने के पिता कहाँ है? मैंने पूछा मुन्ने के पिता कहाँ है? वो हमसे बहुत दूर है। मुन्ने ने उसे कब से नहीं देखा? जब से पैदा हुआ। तुम सुहागन हो, उसने तुम्हें छोड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तुमने उसे छोड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। तुमने उसे क्यों छोड़ा? उनका भला इसी में है कि वो मुझे इसे अभागन से दूर रहे। दूर रहे? दूर क्यों रहे? उनके परिवार का इसी में सुख है। ओ, तू उसके खानदान को पसंद नहीं आई? वो तो तुझे पसंद करता है ना? आज ही पता चला कि वो मेरे बगैर अपने खानदान को नहीं अपनाएंगे। तो कल ही उसके पास चले जाओ। नहीं माँ जी, घर वालों का तो पहला हक है उन पर, मैं उनको दुख कैसे दूं? बेटी तू कितनी अच्छी है, तेरी जैसी बहू काशिंदर भी ले आता। मैं माँ जी, आपकी बेटी ने जिसे स्वीकार किया है
वो मुझे से ही हो तो इस तीर्थ स्थान में उसका नाम भी नहीं लेना, वो उल्टा है। आप कैसे मानते हैं कि वो उल्टा है? इंद्र ने खुद मुझसे कहा। जिसके लिए उन्होंने इतनी दौलत ठुकराई, मंगनी तोड़ी, उसे वो उल्टा कैसे मान सकते हैं? मेरा इंद्र बड़ा सच्चा है, उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। वो गलत भी तो हो सकते हैं। हो सकता है, इसीलिए तो उसने उल्टा से शादी कर ली। जुला, शारदा, मैं तो आपकी जिंदगी से चली गई थी, लेकिन मेरे भाग्य में माँ जी के दर्शन बधे थे। वो बड़े अच्छी हैं। मुन्नी के कारण ही हमारी मुलाकात हुई, अब मेरे साथ ही रहती हैं। आपने अनिता से शादी ना करके अच्छा नहीं किया। आपने माँ जी का दिल दुखाया है। वो मुझे किसी भी हालत में अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगी। वो मुझे उल्टा मानती हैं, इसीलिए शारदा का नाम सुनते ही वो भड़क उठती हैं। मेरी वजह से माँ जी आपसे दूर रहें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इस दुनिया से उठ जाना चाहती हूँ। मुन्ने को संभाल लीजिएगा। गंगा बिछड़े हो क्या उसका हाल।
तुझको प्यार करूं, आ मैं तुझको प्यार करूं। सुई लग जाएगी। माँ जी, इसे मैं आपके हवाले कर रही हूं, अब आप ही इसे संभालिएगा। अरे अरे, तू कहाँ जा रही है? चली गई ले, अभी मुन्ने की माँ आएगी, दूध पिलाएगी मुन्ने को, फिर मुन्ने। माँ, मुन्ना, तुम मुझे लाख मना, लाख मिनत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जाओ, तुम रहो अपनी शारदा के साथ। मगर माँ, शारदा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम तुम्हारी शारदा कहाँ है। माँ, वो कुछ कर बैठेगी, बताओ शारदा कहाँ। मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो। माँ, जिसे इतने प्यार से सीने से लगाए हुए हो, वो भी तो उसी की माँ है। उसका नाम तो दुर्गा है। दुर्गा का दूसरा नाम शारदा ही तो है माँ। उस लड़की ने बिल्कुल नहीं बहकाया, वो कहती रही नशे में ब्याह मत करो। जिसके लिए उन्होंने इतनी दौलत ठुकराई, मंगनी तोड़ी, उसे वो उल्टा कैसे मान सकते हैं? हाँ माँ, उसी ने तो मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि तुम यहाँ हो। जाओ, गंगा जी की ओर गई होगी, जाओ जल्दी। अरे लक्ष्मण झूले की तरफ भाग, जा जल्दी। बहू कहा? हाँ बहू,
ठाकुर, तेरी लीला अपरंपार। जब तक है चंदा, जब तक है